अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े बनाने के लिए मैंने दो आलू ले लिया और उसको छील के अच्छी तरह और इस तरह काट लिया और पानी में डाल के एक चम्मच नमक डाल के मैंने रख दिया। मैंने एक पाव बेसन ले लिया है, फिर ज़रूरत नमक और पिसी हुई मिर्च, लाल मिर्च मैंने लिया है आधा चम्मच, आधा चम्मच से भी कम मैंने हल्दी लिया है और एक अंडा। मैंने हल्दी डाल दिया और पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और हसबे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ और एक अंडे की सिर्फ सफ़ेदी, जर्दी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ सफ़ेदी। मैं बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि क्रिस्पी बने। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि सब चीज़ आपस में मिक्स हो जाए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसे घोलूँगी। ये बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट बन गया है, इसको इतना ही पतला रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है, ठीक है। ये सारे आलू मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह करके और सारे आलू डाल दूंगी। ये देखिए, डालने के बाद इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूंगी। गरम हो गया है, अब मैं इसे देखती हूँ। ये देखिए बिल्कुल तेल हो गया है, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आज बिल्कुल हल्की रखिएगा क्योंकि आलू बिल्कुल कच्चे हैं। इस तरह करूँगी, ये देखिए ऐसे करूँगी और इनको फिर यूँ करके इस तरह डाल दूँगी। इस तरह मसाले डालूँगी और आज बिल्कुल हल्की रहे क्योंकि आलू को मुझे गलाना है। अब इसको मैं बिल्कुल हल्के आंच में पकाऊंगी जब तक कि आलू ना गल जाए और ऊपर नीचे से गोल्डन ना हो जाए। बिल्कुल हल्की आंच में पकाऊंगी। अब ये देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर हो गया है और ये देखिए, और ये मैं दिखा रही हूँ, ये आलू भी गल गया। हाँ, बहुत गल गया, ठीक है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए बिल्कुल हो गया है, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। सारा एक साथ निकालूंगी मैं और इनको थोड़े देर के लिए मैं ऊपर रखूंगी, तेज आंच करूंगी और फिर मैं दोबारा इनको फ्राई करूंगी। ये देखिए अब तेज आंच हो गया है, अब इसमें मैं दोबारा डाल रही हूँ। इस तरह पकोड़े बिल्कुल क्रिस्पी होंगे। अब इनको मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी और निकाल लूंगी सारे इस तरह बना। देखिए ये मैंने इसको दोबारा फ्राई किया, ये देखिए कितना खूबसूरत हुआ, देख रहे हैं। इनको दोबारा फ्राई करें। पकोड़े बनके तैयार हैं। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।